लेकिन एक जीवन था हम लोगों का जिसका मजा था उस मेले का, मैं वो आपको बताता हूँ। सारी सुविधाओं के बावजूद जो जीवन हम लोगों का था, एक पुराना जीवन जी, कि खेतों में घूमते थे, बागों में झूलते थे। क्या बात है भाई साहब, कि खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे। तुम क्या लूटोगे बाबू, मस्ती जो लूटते थे। कि बड़ा गजबे था ताना बाना, कि बड़ा गजबे था ताना बाना। अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। क्या था जो गांव देहात के लोग हैं, इसमें कई प्रतिभाएं हैं जो कितनी बाधाओं के बावजूद आज एक सुरक्षित जीवन जी रही है, नौकरी है, पढ़ाई है, लिखाई है। कि सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे। बढ़िया, हकीकत ये थी दुनिया। कि सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे। आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे। आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे। और थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना। हाय रे, अब तो लगता है देश वीराना। हाय रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था, ये जितनी लाइट्स आप जला लीजिए, कि दिन से ज्यादा थे उजले, इतनी थी ना काली ही रातें। दिन से ज्यादा थे उजले, इतनी थी ना काली ही रातें। छत पर लेटे सुनते थे चांद की तारों से बातें। कि छत पर लेटे सुनते थे चांद की तारों से बातें। और टूटे तारों से मन्नते मंगाना, टूटे तारों से मन्नते मंगाना। अब तो लगता है देश वीराना। हाय रे, अब तो लगता है देश वीराना। अच्छा, गांव में क्या होता है, आप अपने मामा नानी घर गए शंभू जी, ठीक है ना? तो अगर उस गांव का डकैत है तो डकैत मामा, तो मामा अभी आया 3 साल से, काम का प्रणाम। ये पॉकेट मार लिए, फूफा है, पॉकेट मारते हैं, तूफान परसों धराए तो पर प्रणाम करो। मतलब रिश्तेदारी, ये है रिश्तेदारी, पैसा और चक्र नहीं देखती है ना गांव का, श्रृंखला बल्कि रिश्तेदारी। कोई भी चाचा घर, दादी घर में जाइए, सब चाचा है जी। चाचा का हत्या करके आया फिर भी चाचा है उस घर का। नानी घर जाइए, सब मामा है, मगरमच्छ भी पानी हो मामा है हमारा, कहीं नानी घर का है तो सब मामा है। तो ये होते थे, ये रिश्ता होता था, ये रिश्ता होता था। कि बेमतलब टोकते थे, रस्ते में रोकते थे। कुछ भी नहीं सोचते थे, माथा नहीं नोचते थे। कुछ भी नहीं सोचते थे। खैनी रटाई कौन है, नहीं है पता खैनी। मैं हमेशा कहता हूं कि खैनी रटाने, बनाने, खिलाने के बहाने ही तो रिश्ते बनते हैं, भला आइसक्रीम में इतनी ताकत कहां है? क्या बात है भाई साहब, क्योंकि रिश्तों को आइसक्रीम जमने के लिए ठंडक चाहिए, रिश्ता जमने के लिए गर्मी चाहिए। वो गर्मी आपको तंबाकू ही दे सकता है, खैनी ही दे सकता है। इतना सा खा के जैसे हम लोग पाकिस्तान के थूक सकते हैं, परमाणु से नहीं होगा वो संभव है ना। जितना वो इतना सा खैनी खा के थूक रहे लाहौर कराची, इतना परमाणु काम नहीं कर पाएगा। वही है कि बेमतलब रोकते थे, रस्ते में टोकते थे। कुछ भी नहीं सोचते थे, माथा नहीं नोचते थे। कि तब जरूरी नहीं था अकल लगाना, तब जरूरी नहीं था अकल लगाना। अब तो लगे
लगता है देश बिहाना है रे, अब तो लगता है